इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं, नहीं भी करते, क्या करते हैं, कैसा आपको बताते हैं, बात करते भी हैं या नहीं, क्या आप दोनों के बीच की बात, क्या आप दोनों के राज भी वो अपने दोस्तों को बताते हैं और क्या करते हैं वो अपने दोस्तों के बीच, आपकी किस तरह से इमेज रखते हैं, अच्छी बातें करते हैं आपके बारे में, गलत बातें बताते हैं और उनके दोस्त आपके बारे में क्या कहते हैं उनसे, ये इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए, अपने लवर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी हैं, इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और 3 पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनाऊंगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है और अपने पर्सन के बारे में सोचना है, उनकी बातें याद करनी है, क्या क्या वो आपसे बात करते हैं, कैसा आपके बारे में सोचते हैं वो आपको सोचना है, कि वो आपको क्या मानते हैं, आप उन्हें अपने लिए क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में और आपको अपना रिश्ता कैसा लगता है, ये सब बातें अपने दिमाग में लानी है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, कि वो आपके बारे में, आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपके बारे में अपने दोस्तों से आपके लिए कैसी बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या आपके राज भी उन्हें बताते हैं, ये सब बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। पाइल चूज आपको अपने पर्सन के बारे में ही सोच सोच कर करनी है, कि आप उन्हें क्या मानते हैं, कैसा मानते हैं। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, वो आपको सॉन्ग सुनना है, 3 पाइल को देखते रहना है, अपने पर्सन के बारे में ये सोचना है जिससे भी आप प्यार करते हो उसके बारे में आपको सोचना है, हीलिंग सॉन्ग सुनना है और 3 पाइल देखते रहना है, फिर आपको पाइल सेलेक्ट करनी है। अगर एक बार में आपको पाइल सेलेक्ट करने में कन्फ्यूज़न हो, दुविधा में हो, तो आप दोबारा से ये प्रोसेस अपना सकते हैं, हीलिंग सॉन्ग सुनिए, अपने प्यार प्यार को सोचिए, आप जिससे भी आप प्यार करते हैं उस पर्सन के बारे में सोचिए, अपने मन में, दिल में, बस उसी के बारे में सोचिए, हीलिंग सॉन्ग सुनिए और 3 पाइल को देख लीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। जब ही आप सही, आपको टैरोट रीडिंग मिल पाएगी जब आप अपने आप पर्सन के बारे में सोचते ही रहेंगे और 3 पाइल को देखते रहेंगे और हीलिंग सॉन्ग सुनते रहेंगे। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग, सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग, कि वो अपने दोस्तों के बारे में, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, वो जिससे व्यक्ति से आप प्यार करते हैं वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करता है, कैसी बातें करता है, क्या आपका राज सबको बता देता है, वो आपकी इमेज किस तरह से रखता है दूसरों के सामने, अपने दोस्तों के सामने कैसा आपको मानता है और उसके दोस्त उसे क्या समझाते हैं, आपके साथ रहे या खिलाफ रहे, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन को राज रखने की बहुत ज़्यादा आदत है, वो आप दोनों के बीच की बात अपने किसी दोस्त से शेयर नहीं करते हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर करते भी हैं तो वो डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं, कि अगर उन्हें आपके बारे में कुछ पूछना भी हो तो वो आपका नाम नहीं लेते, किसी और का नाम लेते हैं या फिर कोई एग्जांपल करके पूछते हैं।
वो अपने रिश्ते को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते, वो ज़्यादा प्राइवेट रखना चाहते हैं। और वो ये भी कहते हैं अपने दोस्तों से, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरे लिए इनफ है, उससे ज़्यादा मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, ये ज़रूर कह देते हैं। पर कोई भी आप दोनों के बीच की जो पर्सनल बात होती है वो अपने दोस्तों से बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, वो आपसे वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपको खोने से डरते हैं, इसलिए वो आपके बारे में जब भी अपने किसी दोस्त से बोलते भी हैं तो अच्छा अच्छा बोलते हैं। आप दोनों की प्राइवेट बात वो किसी को नहीं बताते, वो अपने अंदर ही रखते हैं। बल्कि मुझे यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं कि आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकते हैं, आप अपने दोस्तों से ज़रूर अपनी प्राइवेट बात शेयर ज़रूर करते हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपके पर्सन को ये वाली बात पता लग जाती है तो वो भी आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, पर वो खुद अपने दोस्तों से आपकी कोई भी बात शेयर नहीं करते, बस इतना ज़रूर कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है या अच्छी है। आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, और आपके पर्सन भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आपके बारे में हमेशा दुनिया से भी अच्छा ही बातें करते हैं। अगर आपके बारे में कोई बाहर से गलत बातें भी करता है तो वो उससे एकदम रिवेंज वाली स्थिति हो जाती है उनकी, उनसे उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से वो बदला लेने की कोशिश करते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश में भी लग जाते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। वो आपके बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से गलत बातें नहीं सुन सकते, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और अपने दोस्तों से भी वो आपके बारे में अगर कई बार एग्जाम्पल देने भी लग जाएँ तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें ही बताते हैं कि वो इतनी अच्छी है, वो ऐसी है, वो वैसे। कई बार आप दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हो जाती है, जहाँ आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों से उनकी बुराई करने लग जाते हैं अपने पर्सन की, पर वो उल्टे हैं, वो कभी आपकी बुराई नहीं करते। और आपकी लड़ाई भी हो जाए, अगर आपकी कोई बात भी नहीं होती तो अपने दोस्तों से कहते हैं मेरे तो हमारा तो सब सही चल रहा है, मतलब कि इग्नोर कर देते हैं, मतलब कि आपकी जो प्राइवेट बात होती है अगर लड़ाई भी हो गई तो उसे उजागर नहीं करते आपके लिए, तब भी प्यार रहता है उनके मन में और आपसे भी वो ज़्यादा टाइम तक नाराज़ मुझे यहाँ पे नहीं लगते। पर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब आप दूसरों से बात शेयर करते हो उनकी प्राइवेट, और कहीं ना कहीं उन्हें पता लग जाता है, कहीं ना कहीं आप ही उन्हें बता देती हो बातों बातों में, या आप ही उन्हें बता देते हो। आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, और आपके पर्सन में लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, तो आप ही ज़्यादा मुझे जो मेरे सुनने वाले हैं मुझे वो ही लग रहे हैं कि वो ही ज़्यादा अपने दोस्तों से प्राइवेट अपनी बात सारी बता देते हैं। अगर आपके पर्सन को इस बारे में पता लग जाता तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वो बिल्कुल भी अपने रिश्ते को उसकी खिल्ली नहीं बनवाना चाहते, मतलब उसका मजाक नहीं बनवाना चाहते, इस वजह से वो प्राइवेट ही रखते हैं, क्योंकि वो अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा पवित्र और साफ मानते हैं, पाक मानते हैं, इसलिए वो अपने रिश्ते को बचा कर रखना चाहते हैं, और इसलिए अपने दोस्तों से बहुत अच्छी तरह से डील करते हैं। अगर उनके दोस्त आपके बारे में कुछ पूछते भी हैं तो वो सिंपल वे में कह देते हैं, जो भी है सही है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, ये नहीं पता, मतलब कि अपनी प्राइवेट बात वो कुछ भी नहीं देते, बल्कि उनके दोस्त निकलवाने की कोशिश करते हैं, उनका मजाक भी बनाते हैं, अगर तू तो कुछ बताता नहीं है, तेरे साथ को कुछ होता भी नहीं होगा, तुम्हारे तो कुछ लड़ाई भी नहीं होती होती शायद, इस तरह से भी बात करते हैं, मजाक लेने में कोशिश करते हैं जिससे उसके अंदर की बात निकल जाए आपके पर्सन की, बट वो कुछ नहीं निकालते, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, इतना प्यार बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, वो आपको खोने से डरते हैं। अगर आपको कुछ भी ज़रा सा चोट भी लग जाए या फिर कोई दिक्कत आ जाए आपको, तो वो आपसे ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। अपने दोस्तों से आपके बारे में अच्छा ही अच्छा बोलते हैं, आज तक उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला। उनके यहाँ पे मुझे 3 फ्रेंड्स नज़र आ रहे हैं और 2 फ्रेंड्स, टोटल 5 फ्रेंड्स हैं, 2 तो नॉर्मल हैं, 3 बहुत ज़्यादा उनके क्लोज़ हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है 5 फ्रेंड्स हैं जिनके बारे में जिनसे वो आपके बारे में बात करते हैं कभी कभी या फिर रोज़ भी, पर
आपके बारे में जो भी बोलते हैं वो अच्छा ही बोलते हैं, कभी उन्होंने आपके बारे में नेगेटिव नहीं बोला। और अगर किसी ने आपके बारे में नेगेटिव बोला, चाहे उनके दोस्त में से हो चाहे बाहर में से हो, तो वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं या फिर उससे रिवेंज वाली स्थिति, बदले वाली स्थिति उनकी हो जाती है। एकदम से वो दुश्मन मान लेते हैं उस जने को जो आपके बारे में कुछ भी गलत बोलता है, गलत बातें करता है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे यहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, 9, 8, 4, 7, 16, 12, 13, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 2, 5, 1, 3, 8, 9, 10। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट हो सकती है, मंथ हो सकता है या ईयर हो सकता है, या जिससे आप प्यार करते हैं उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकती है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं APQZLIPJMNOEFGSIDMNOQRSTUVYZ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम, या उस व्यक्ति का नेम या सरनेम हो सकता है जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने दोस्तों से भी आपके बारे में अच्छे अच्छे बोलते हैं। कई बार आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं उन पे, वो नाराज़ होते रहते हैं, गुस्सा होते रहते हैं। जब वो उदास बैठे रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो वो पूछते हैं उनके दोस्त कि आपको क्या हुआ क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं, और अंदर अंदर रोते रहते हैं। तो उनके जो दोस्त हैं वो मजाक बनाने लग जाते हैं कई बार, तो उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि अंदर से उनके दिल पे बात छुपती है कि मैंने तो उसे कुछ कहा नहीं है ऐसा, पर उसने मेरे साथ इतना गलत क्यों बोला मुझे, तो उन्हें हर्ट हो जाता है। तो उस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप बहुत ज़्यादा बात लीक करती हैं, आप अपनी पर्सनल बात लोगों को बता देती हैं, इस वजह से भी उन्हें बहुत ज़्यादा आप पर गुस्सा होता है। जो चीज़ उन्हें उन्हें दोस्त अपने दोस्तों से पता लगती है, जैसे आपने किसी अपने क्लोज फ्रेंड को बता दिया अपने बीच का राज, अपने दोनों पार्टनर्स के बीच का राज, तो वो बाहर से जब फैल जाता है लोगों में, तो उनके दोस्त के थ्रू उन्हें पता लग जाता है। जब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बुरा लगता है, तो वो उस चीज़ को उन्हें मैनेज करने में, अपने दोस्तों से उस बात को छुपाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और बताने में उनका वो जब सवाल पूछते हैं उनके दोस्त, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस वजह से वो अपने दोस्तों से भी कहीं ना कहीं दूर होते चले जाते हैं और उनकी दोस्ती में भी करवाहट आ जाती है। तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि आप जो अपने रिश्ते को प्राइवेट रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी, ज़्यादा अपने रिश्ते की जो छोटी बात है, मतलब कि वैसी बात है, पर्सनल बात है, वो बाहर मत बताइए, और अपने आप पर कंट्रोल कीजिए। अपने पर्सन पर आपको विश्वास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बेपनाह प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं, तो आपको भी उन पर ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में इस वजह से दूरियां भी इस समय आ रही हैं कि आपके पर्सन आपको खुलकर कोई बात नहीं बताते हैं, क्योंकि आप और लोगों में वो बात फैला देते हैं। इस वजह से आपके पर्सन के अंदर आपके लिए ट्रस्ट इशू आ रहे हैं, विश्वास आप पर नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह। तो आपको उनका विश्वास जीतना होगा, अपनी बातें पर्सनल रखिए और अपने पर्सन को विश्वास दिलाइए कि आप भी उन पर पूरा विश्वास करती हैं, जैसे वो आप पर पूरा विश्वास करते हैं, हर बात आपको बता देते हैं। चाहे वो उनके साथ कुछ गलत हो, गलत बात बता देते हैं, अच्छी बात हो तो अच्छी बात बता देते हैं, पर आप उनसे एक बात गोलमोल करके बताती हैं, बात कुछ होती है बता कुछ देती हैं और दुनिया को कुछ और बता देती हैं। कई बार आप अब दोनों की पर्सनल कोई बात हुई, आप लोगों को बता देती हैं, ये बात आपके पर्सन तक पहुंच जाती है, फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इस वजह से आपके रिश्ते में ट्रस्ट का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप दोनों में विश्वास का अभाव है, आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे। ये आप दोनों को जीतना है, तभी आपका रिश्ता बहुत आगे तक पहुंच पाएगा और आपका रिश्ता आगे तक चला भी जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर आपके जो लव्स हैं उन पर आपका कंट्रोल नहीं है और आप किसी को भी कोई भी बात बता देते हैं। ये आपको
देखना है कि आपको किससे कैसी बात करनी है, तभी आपका रिश्ता बहुत अच्छा मजबूत बना रहेगा। और तीसरा पर्सन उसका कोई भी ही एंटरटेनमेंट नहीं हो पाएगा, उसका कोई भी आपसे फ़ायदा नहीं उठा पाएगा या मजाक नहीं उठा पाएगा आप दोनों के रिश्ते की। यही थी पायल बन वालों की रीडिंग कि आपके बारे में वो अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं, कैसे बातें करते हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल टू वालों की रीडिंग कि वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं, कैसा आपका ऑरा बनाते हैं उनके सामने कि आप कैसी हैं या कैसी नहीं। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा चुगली करते हैं, मतलब कि आपकी कोई लड़ाई हो गई तो वो हंसी मजाक में अपने दोस्तों को बता देते हैं। हर बात अपने दोस्तों से कहीं ना कहीं वो शेयर करते हैं। उनका यहाँ पे ज़्यादा दोस्त नहीं है, एक दोस्त है उनका जिससे वो आपकी हर बात शेयर करते हैं। आपकी कोई लड़ाई हो गई तो अपने दोस्त को बता दी कैसे सुलझाऊँ, उससे हर चीज़ का सजेशन लेते हैं। आपके बारे में हर बात वो अपने एक पर्सनल दोस्त को बताते हैं। और मुझे यहाँ पर नज़र आया कि आपके पर्सन का आप जिससे प्यार करते हैं वो उस दोस्त पर आंख बंद करके विश्वास करता है, उसे अपने परछाई से ज़्यादा अपने दोस्त पर विश्वास है, इसलिए वो आपकी बात भी उससे हर एक बात पूछ कर करते हैं। हर एक चीज़ उसको बताते हैं कि आपका रिश्ता कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। कई बार आप दोनों की लड़ाई भी हो जाती है तो उस दोस्त को सब बताते हैं कि क्यों हुई, कैसे हुई, कैसे मैं सुधारूँ, क्या नासुक सुधारूँ इस रिश्ते को, कैसे कैसे चलाऊँ, कैसे ना चलाऊँ। हर एक डिसीज़न वो अपने दोस्त से पूछ कर लेते हैं। वो एक सिंगल दोस्त है जिस पर वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। वो उनका कोई रिलेटिव हो सकता है या फिर कोई ऐसा खास दोस्त जो उनके घर के पास है, तो जो उनके कॉलेज में साथ पढ़ा हो बचपन से या उनके स्कूल में साथ पढ़ा हो, वो ऐसा दोस्त है। और कहीं ना कहीं ये बात आपको बिल्कुल नहीं पता है कि वो उनको सारी बात शेयर करते हैं। ये तो आपको पता है कि वो आपके पर्सन का पर्सनल दोस्त है, बहुत ज़्यादा क्लोज दोस्त है, पर ये आपको नहीं पता था कि एक एक डिसीज़न वो उससे पूछ कर लेते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच की कोई खुशी भी आने वाली हो तब भी वो उसको बताते हैं, हर बात उसको पता रहती है और वो सजेशन भी देता है। पर वो जो फ्रेंड है उनका, वो अपने तक ही सारी बातें रखता है और किसी को बताता नहीं है, वो फैलाता नहीं है, पर उसे सारी बात पता होती है जो आपके पर्सन का दोस्त है। बहुत ज़्यादा अच्छा है वो भी आपकी, अगर वो भी आपका पक्ष लेता है, पर ये चीज़ आपके पर्सन जो है वो उस दोस्त को सब चीज़ बताते हैं A to Z, ये आपको पता होनी चाहिए। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको इतना कुछ नहीं पता था जितना मैंने अब बता दिया है आपको, तो आप और ज़्यादा उन पर भी शक करेंगे। वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, भोले हैं, विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं वो आप पर, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। बहुत अच्छा आपका रिश्ता चल रहा है, आपके रिश्ते में ट्रस्ट इशू बिल्कुल नहीं है। आप दोनों को एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा विश्वास है कि आप का वो साथ हमेशा देंगे और आप भी उनका साथ हमेशा देंगी। और वो जब भी दुखी होते हैं तो वो आपके पास ही आते हैं, आप उनकी बात बिन कहे समझ जाते हैं या समझ जाती हैं, और वे भी आपकी बातें बिन कहे समझ जाते हैं या समझ जाती हैं। आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, और आपके पर्सन भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। आप दोनों में बेपनाह प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके अंदर, और पर वे अपने दोस्त से आपके बारे में सारी बातें शेयर करते हैं। मुझे यहाँ पे आप भी नज़र आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी बातें को प्राइवेट रखते हो, आप किसी से शेयर नहीं करते हो। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप अपने तक ही रखते हो अपने पर्सन के बाद, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। पर आपके पर्सन एक सिंगल फ्रेंड है उनका, तो उससे वो सारी बातें शेयर करते हैं आपके बारे में, सब रिलेटेड बात। और वो जो अपनी ज़िंदगी में काम करते हैं, बिजनेस की हो या कोई भी हो, जॉब की हो, उससे वो भी अब ये बात शेयर करते हैं सारी। आपके पर्सन आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो अपने दोस्त को सारी बात बताते हैं और आप बिल्कुल सीक्रेट रखते हैं अपने राज। तो इस
और आप दोनों को कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा एक दूसरे पर विश्वास है कि इस बात का भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने पर्सन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और आपके पर्सन भी आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा आगे तक जाने वाला है, आप दोनों के अंदर इतना ज़्यादा जुड़ाव है, कोई भी गलत बात मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। बहुत अच्छा रिश्ता आपका चल रहा है और आगे भी ऐसा चलेगा। आप दोनों को कई बार आप दोनों की लड़ाई हो जाती है तो वो भी एकदम से सही हो जाती है। अगर कोई बड़ा इशू हो जाता है आपकी ज़िंदगी में तो वो अपने दोस्त से बात करते हैं और आप खुद से ही सॉल्व करते रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा खुद में ही रहते हैं, आप अपनी बातें किसी को भी नहीं बताते हैं, आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले। आपके पर्सन आपके अंदर ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है उन्हें कि आप एकदम से कोई भी चीज़ सीख जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आपके पर्सन आपको ऐसा मानते हैं जैसे उन्हें कोई दूसरा नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में एक ही हो आप, इस तरह का वो मानते हैं। आपको अपने दिल के करीब मानते हैं, वो सोते भी आपके नाम से हैं और उठते भी आपके नाम से हैं, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और आप वो आपके सपने में आते रहते हैं और आप भी उनके सपने में आते रहते हैं। कई बार आपको हिचकियाँ भी आती रहती है पूरे दिन में जब आपके पर्सन याद करते हैं, मुझे अभी नज़र आ रहा है। आपका दोनों का समय बदलने वाला है और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ आगे चल के कड़वाहट भी आ सकती है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर वो अपने दोस्तों से कोई बात शेयर करते हैं, वो डिसीज़न देता है, तो कई बार आपको भी अच्छा नहीं लगता और इस वजह से आपके रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। तो आप अपने पर्सन से कहिए कि मेरे से ही अब मेरी बात शेयर करें, क्योंकि कई बार ऐसे सेंसिटिव टॉपिक होते हैं, ऐसे बातें होती हैं जो दूसरे पर्सन को आप बताना नहीं चाहते, तो वो आप चाहते हैं कि आप दोनों के बीच रहे। इस वजह से आप दोनों की लड़ाई हो सकती है, घिटपिट हो सकती है कि आप मेरी बात मेरे तक ही रखिए और आप अपनी मेरी बात एक साथ ही रखिए, किसी अपने दोस्त को नहीं बताइए। तो इस चक्कर में आगे चल के आपकी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े मुद्दों में आप नहीं चाहते कि किसी दूसरे व्यक्ति का आपके बीच इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि आपके पर्सन एक व्यक्ति जो उनका दोस्त है उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। विश्वास सही है, पर आप चाहते हैं आगे चल के आपके बीच इस वजह से मनमुटाव हो सकता है कि आप ये चाहेंगे कि दूसरे व्यक्ति को आपके बारे में कोई भी इश्यू हो को हर बात ना पता लगे और आप अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा पर्सनल रखना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है जो इस समय नहीं हो पा रहा है। तो अपने रिश्ते को आपको पर्सनल करने की कोशिश करनी होगी, अपने पर्सन को समझाना होगा कि वो अपनी दोस्त से उतनी ही बात करे जितनी उन्हें करनी चाहिए। आपकी पर्सनल बात अपने दोस्त को ना बताए, जिससे आगे चल के आपके रिश्ते में कोई करवाहट ना आए, लड़ाई दंगे ना हो आपके रिश्ते में। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1, 2, 5, 9, 8, 10, 11, 16, 22, 23, 24, 25, 17, 27, 29, 30, 31, 1, 2, 5, 9। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट हो सकती है, मंथ हो सकता है या ईयर हो सकता है, या आपके पर्सन का जिससे भी आप प्यार करते हैं उस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं RSTEVABCDYZUEFIMNOTUMLA। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या आपके पर्सन का जिससे भी आप प्यार करते हैं उसका नेम या सरनेम हो सकता है। आपके दोनों को अपने रिश्ता समझना होगा, उसमें आप दोनों को प्राइवेसी लानी होगी जो इस समय जा रही है। आपके पर्सन की वजह से आपके रिश्ते में जो प्राइवेसी होती है, जो प्राइवेट होता है कि कोई बात प्राइवेट होती है, मतलब कि जब आप रिलेशनशिप में हैं तो बहुत सारी बातें प्राइवेट होती हैं, तो वो प्राइवेट रखने के लिए आपको अपने पर्सन को समझाना होगा कि वो दोस्त उनका बहुत अच्छा है पर वो उन्हें सारी बातें ना बताए, अपने रिश्ते को प्राइवेट
रखिए, कुछ बातें हर बात बताने की नहीं होती, आपको अपने पर्सन को ये बात समझानी होगी। इस वजह से आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और वरना आगे चल के मुझे दिखाई दे रहा है अगर ये वाली बात आपने अपने पर्सन को नहीं समझाई और आपके पर्सन ये वाली बात नहीं समझे, तो उस दोस्त की वजह से आपके रिश्ते में कड़वाहट आ जाएगी। यही थी पाइल टू वालों की रीडिंग, कि आपके पर्सन जिससे भी आप प्यार करते हैं वो अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं आपके बारे में, इस वीडियो में मैंने आपको सब बताया है। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल थ्री वालों की रीडिंग, कि वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, क्या आपकी इमेज बनाते हैं अपने दोस्तों के बारे में, कैसी बातें करते हैं आपको लेकर, अच्छी बातें बुरी बातें क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल थ्री वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके रिश्ते का मजाक बनाते हैं आपके पर्सन अपने दोस्तों के बारे में। आप उनके लिए एक मजाक का इशू बन चुकी हैं, इस वजह से उनके दोस्त भी आपका मजाक बनाते हैं। कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है उनके मन में आपके लिए, वो प्यार का झूठा दिखावा कहीं ना कहीं कर रहे हैं आपको लेकर, या उनके अंदर कुछ ऐसी समझ नहीं है कि अपने दोस्तों से कैसी बात करें आपके बारे में। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको फील भी होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से, उनके फ्रेंड जो आपके पर्सन के फ्रेंड है जिससे आप प्यार करते हैं, वो आपका मजाक बनाए या फिर कुछ भी आपको कह देते हैं, इसका आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जब आप अपने पर्सन से कहते हैं कि, जिससे भी आप प्यार करते हैं उससे कहते हैं कि आपके दोस्त मुझे ऐसा कह रहे थे, तो वो भी बात को हल्के में ले लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कह दिया, कुछ उसका मतलब वो नहीं था। पर आपके जो पर्सन हैं वो आपका मजाक बना रहे हैं, वो कुछ भी अपने दोस्तों से आपके बारे में कह रहे हैं, आपका मजाक बनाते हैं बातों बातों पर, और आप जो उनके साथ होती हैं वो भी, आप उनके दोस्त भी होते हैं, तब भी वो आपको उल्टा सीधा ही कह देते हैं कुछ भी। उनकी तरफ से मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा वीकनेस भी नज़र आ रही है। आपके रिश्ता बहुत ज़्यादा कमज़ोर मुझे लग रहा है। आपके दोनों के रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं या करती हैं, और आपके पर्सन भी लड़का भी हो सकते हैं लड़की भी, मुझे यहाँ पे एक तरफा प्यार की स्थिति नज़र आ रही है। आप उन्हें 100% दे रहे हैं, वो आपको 10% भी नहीं दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा कमज़ोर की स्थिति में चल रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाऊँ क्या, आगे बढ़ जाऊँ क्या, आपके दिमाग में यही चलता रहता है कि आप उनके दोस्तों को आपने पे मजाक बनाते हुए देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एक एक छोटी छोटी बात जो आपके बीच की होती है वो भी उनका मजाक बनाते हैं और उनके दोस्त भी मिल के बनाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। आपके रिश्ता को आपको नई शुरुआत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने पर्सन को आप समझाइए कि मेरा रिश्ता ऐसा वैसा मजाक का नहीं है, मैं आपको सच में प्यार करती हूँ। अगर वो आपको 100% नहीं दे पा रहे तो उन्हें समझाइए, वरना अपने रिश्ते से आप भी मूव ऑन होने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी बहुत लंबी है, एक जने पे नहीं टिकती है। आप कब तक अपने आप को रोती रहेंगी वो रहेंगी, अपने पर्सन को समझाइए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशनल स्पीकर टाइप की फीलिंग आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा समझाते हैं या समझाती हैं, तो ऐसे ही अपने पर्सन को समझाइए। एक बार नहीं समझेंगे, दो बार नहीं समझेंगे, कहीं ना कहीं वे आपसे प्यार करते हैं, पर इस समय जो आपका रिश्ता चल रहा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर चल रहा है। आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। इसलिए आपको कोशिश करनी होगी कि आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, थोड़ा अपने अंदर आत्मसम्मान लाइए, अपने पर्सन को दिखाइए कि आपको, अगर अपने पर्सन की बात बुरी लग रही है तो उनके मुंह पे कहिए, अपने रिश्ते को ताकतवर बनाइए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, कि
आपको कुछ कोई बात बुरी लग रही है अपने पर्सन तो उसे तभी चुप करिए कि मुझे आपकी ये बात बुरी नहीं लग रही, तभी कहिए उनसे। अब क्यों चुप रहते हैं या रहती हैं और फिर बाद में जाके रोते हैं आप लोग, क्यों ऐसा करते हैं? अपने पर्सन को आप साफ जगह कहिए कि मुझे आपकी ये बात बुरी लग रही है, क्या लग रही है, आपके आपके दोस्त मुझे ऐसा क्यों बोल सकते हैं। आप क्वेश्चन कीजिए उनसे, अपने रिश्ते में क्लियरिटी लाइए। बहुत ज़्यादा आपका रिश्ता कमज़ोर हो चुका है, आपको कब तक रोती रहेंगे, आप कब तक रोते रहेंगे। आपको रिश्ते को समझने की ज़रूरत है, अब आपके पर्सन को भी समझने की ज़रूरत है। मजाक रिश्ता का मजाक बिल्कुल मत बनाइए, मजाक मजाक में आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। वरना आपके जो पर्सन है वो आपका सम्मान बिल्कुल नहीं करिए, रिस्पेक्ट लाइए। आप अपने सम्मान के लिए लड़िए। आप लड़ने का मतलब है कि अपने पर्सन को बताइए कि मुझे ये वाली बात अच्छी लग रही है, मुझे ये वाली बात गलत लग रही है। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो अपने रिश्ते में सम्मान लाइए आप अपना, कि ठीक है मैं तुमसे बात नहीं करूंगी अगर आपने इस तरह से मेरे से बात कराई, या अपने दोस्तों के साथ मेरा मजाक बनाया, या उनसे मेरे बारे में कुछ भी गलत मजाक बना के मेरे बारे में बात करी। तो आप अपने बारे में अपने पर्सन को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा समझ जाएंगे अगर आपने कोशिश करी। मुझे यहाँ पे 2 महीने के अंदर आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप खुद के लिए लड़ती हुई नज़र आ रही हैं, स्टैंड लेती हुई कि अब मैं गलत मजाक नहीं सुनूंगी अपने ऊपर, या आपके दोस्त मेरे बारे में गलत नहीं बोलेंगे। इस वजह से आपके पर्सन भी समझेंगे। मुझे यहाँ पे 2 महीने का समय नज़र आ रहा है कि आपके रिश्ते में 2 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा बदलाव आने वाला है। अगर आपके पर्सन नहीं बदले तो कहीं ना कहीं आप इतने निर्भर हो जाएंगे, तो मूव ऑन या फिर अपने आप को बदलने की कोशिश आप करेंगे। 2 महीने के अंदर आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। 2 महीने के अंदर आपके रिश्ते में कोई ना कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, और आप भी अपने रिश्ते के लिए लड़ना शुरू करने वाली है, ये भी मुझे लग रहा है। आपको लड़ना होगा अपने लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ना होगा। ऐसे आपके पर्सन किसी के से भी आपके बारे में मजाक नहीं बना सकते। वो आपको अपना सम्मान लाना होगा, उनसे कहना होगा, जब वो आपके बारे में सम्मान ना करें तो उनसे दूर हट जाए, उन्हें समझाइए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पावर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आए, 1, 2, 9, 8, 7, 3, 2, 1, 11, 16, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 16, 26, 28, 19, 29, 30, 31 और 25। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या आपके पर्सन का जिससे भी आप प्यार करते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ का डेट मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, ABCEFMNOQPYZW AEFGIJKMNOYZ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या उस पर्सन का जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बारे में अपने दोस्तों से कैसी बातें करते हैं, उनके नेम हो सकता है इन अल्फ़ाबेट से या सरनेम हो सकता है। आपको अपने रिश्ते के लिए खड़ा रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लीजिए। जो आपको गलत लग रहा है अपने रिश्ते में, जो आप अपने दोस्तों से मजाक बना रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, इसके लिए आपको बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है 2 महीने बाद। अपने रिश्ते को समय दीजिए, अपने पर्सन को समझाइए, ये वो भी समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, पर इस समय आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। यही थी पायल 3 वालों की रीडिंग, कि वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। यही थी पायल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।